वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 7 जुलाई 2018, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने ओके लाइफ के जर्नी को शुरू किया और इतनी शानदार ये जर्नी रही है। उस जर्नी का 1 साल मैं आप सब लोगों के साथ साझा करने आई हूँ, चाहे आप चाहे मैं। डायरेक्ट सेलिंग में आए अपने सपने पूरे करने थे, ईमानदारी से काम करके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके, लोगों को सही दाम पर सही क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर लोगों के सपने पूरे कराना, अपने सपने पूरे करना। एक्चुअल में यही कारण है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं, राइट? और ये 1 साल की जर्नी में मैं अगर आपके साथ अपने अनुभव को साझा करूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। और ये जर्नी को साझा करने का सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि अगर सोनम कर सकती है तो आप सभी लोग कर सकते। जून 2019, चेक आपके सामने, जुलाई, देन अगस्त, नाउ अक्टूबर, नवंबर, माय बर्थडे मंथ, माय फेवरेट मंथ, एंड एक ठीक ठाक पे आउट बनना शुरू हुआ नवंबर, दिसंबर, और मजा आने लगा, नेटवर्कर वाला कीड़ा हमारे अंदर जागने लगा, और वो है गाड़ी का कीड़ा। ऑलरेडी मैं i20 चलाती हूँ और एक लग्जरी कार के लिए बहुत मन था, एंड आई बुक्ड जगुआर। नाउ जनवरी, नए साल का आगमन जोरों शोरों के साथ हुआ, आपने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, लेकिन नहीं पता था कि ये साल ऐसा होने वाला है, बट इट्स ओके। हमने इसका स्वागत तो बहुत अच्छे से किया था, और जनवरी में एक अच्छा पे आउट अकाउंट के अंदर आया, और ये अमाउंट हमारे पिताजी को भी पता लगा, ऑफकोर्स पता भी लगना चाहिए था। एट दैट टाइम कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी हुई, भागीरथ पैलेस हमारी जो दुकान रेंट पर थी, कि वहां के जो लैंडलॉर्ड थे दुकान के, वो उस दुकान को बेचना चाहते थे, तो उन्होंने पापा को जो है इंटीमेशन दे दिया था कि या तो आप खाली कर दीजिए इसको, राइट, बिकॉज हम इसे बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने एक वक्त दे दिया था कि तब तक आप खाली कर देना। पिताजी ने देखा कि बिटिया एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रही है, पिताजी ने हमारे साथ अपने अनुभव को शेयर किया कि बेटा मैं ये सोच रहा था क्यों ना उस दुकान को हम ही खरीद लेते, तो आप देखो इस दुकान को हम परचेज कर लेते हैं, फिर क्या। जनवरी फरवरी वी डिसाइडेड कि पापा की दुकान लेंगे, एंड फरवरी में एक अच्छा पे आउट हमारे पास आया, एंड हमने डिसीजन में बोल सकते हैं कि स्टाम्पिंग कर दी, राइट, और भागीरथ पैलेस पापा की दुकान परचेज की। फरवरी के बाद मार्च पे आउट आपके सामने, इस मार्च में हमने बड़े जोरों शोरों से काम किया, बहुत जोरों शोरों से काम किया, और एक अलग लेवल का जुनून था, एक अलग लेवल की प्लानिंग थी, लेकिन क्या पता था हमें 22 तारीख के बाद संपूर्ण लॉकडाउन हमारे सपनों पर पानी फेर देगा। संपूर्ण लॉकडाउन लगा, पहली बार इंसान घर के अंदर अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा था, हर इंसान ये सोच रहा था अब क्या होगा, जान है तो जहान है, ये कहावतें चलने लगी और सही भी थी, बाहर निकलने पर डंडे पड़ रहे थे, अपने घर के अंदर ही आप रहे, कहीं बाहर नहीं जाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यहां कहीं भी नहीं आना, ऐसे ऐसे कई तरीके की चीजें होने लगी जिसने इंसान को बोले तो खौफ में डाल दिया। हमारी कंपनी ने भी, क्योंकि जान है तो जहान है, मार्च एंड अप्रैल मंथ की क्लोजिंग एक साथ की, बट पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्लोजिंग एक्सटेंड हुई, एंड एक्सटेंड होने के बाद भी मार्च मंथ के काम के अकॉर्डिंग हर एक लीडर के अकाउंट में कुछ एडवांस के रूप में पेआउट डाला गया। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि क्लोजिंग नहीं हुई लेकिन पेआउट कुछ अमाउंट में लोगों के घर में आए, ताकि उन्हें इस महामारी जैसे समय में कुछ सपोर्ट मिले, राशन वाशन लाने का सुविधा हो जाए,
या किसी को भी जरूरत हो तो वो उस पैसे से थोड़ी हेल्प ले पाए, क्लोजिंग एक्सटेंड करके लोगों को उस माहौल में बाहर निकलने के लिए बंद कर दिया गया कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, और साथ में लोगों के घरों में दिक्कत ना है आए इसलिए कुछ अमाउंट भी डाल दिया गया। ग्रैंड सल्यूट टू डी के सारन सर की सोच, क्या शानदार डिसीजन हमेशा डी के सारन सर के रहते हैं। और एडवांस पे आउट के रूप में 2,00,000 रुपए हमारे अकाउंट में भी आए। मार्च अप्रैल की कंबाइंड क्लोजिंग हुई और तकरीबन 14.5 लाख का पे आउट बना, जिसमें 2,00,000 हमें एडवांस के रूप में आ चुके थे और रेस्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। नाउ मई हमने शानदार काम किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा इजी किया, कोरियर सिस्टम थोड़े से इजी हुए और मई में एक अच्छी क्लोजिंग हुई और पे आउट आपके सामने। नाउ जून जुनून की हद से काम हुआ, जून जुनून की हद से काम हुआ और पिछले सभी रिकॉर्ड को हमारी टीम ने ब्रेक किया, या यू कहें तो रियल होम बेस्ड बिजनेस करना हमारी टीम सीख गई। अप्रैल मई यानी 2 मंथ वो ऑनलाइन मीटिंग करना सीख चुके थे, ऑनलाइन काउंसलिंग करना सीख चुके थे, ऑनलाइन क्लोज करना सीख गए थे, ऑनलाइन फॉलोअप करना सीख गए थे, ऑनलाइन सेमिनार करना सीख गए थे, ऑनलाइन सेलिब्रेशन करना सीख गए थे, सब चीज को हम ऑनलाइन करना शुरू कर चुके थे और उसका फायदा हमें जून में मिला। और जून में पूरी टीम जो है अलाइन होकर काम करनी शुरू हुई और इतना शानदार क्लोजिंग हुआ, इतनी शानदार पे आउट जो इस बार आने वाले हैं वो अल्टीमेट। ये 1 ईयर की जर्नी आप लोगों के साथ मैंने साझा की, साझा करने का सिंपल उद्देश्य कि सोनम का चेक रातों रात बड़ा नहीं हुआ है। ये चेक ये पिछले 1 साल का रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार आप जो सोचते नहीं है वो भी हो जाता है। अब आप ये सोचिए कब किसी ने सोचा था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति लगेगी। सोचिए 2020 की जब प्लानिंग हुई थी, जब शुरुआत हुई थी तो, पर भगवान की कृपा से बिल्कुल स्मूथ अब चीजें हो गई हैं, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं इस माहौल को, अब हम खौफ में नहीं है लेकिन सावधानी के साथ जरूर काम कर रहे हैं। हम मास्क यूज कर रहे हैं, हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हम हैंड वॉश कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, हम ढल गए इस माहौल के अंदर और तेजी से अब इसके अंदर हम काम भी करना शुरू कर चुके हैं। नाउ मेरी इस जर्नी से सिर्फ एक चीज समझ ली कि निरंतरता कंसिस्टेंसी इंसान को ग्रोथ दिलाती है। जो लड़की आज से एक साल पहले 1.5-1.5 लाख के पे आउट पे हुआ करती थी, आज वो लड़की का एवरेज पे आउट 15 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ये क्या है, ये जर्नी कैसे इतनी खूबसूरत हो रही है, ये जर्नी किस तरीके से काम कर रही है? द सिंगल वन मैसेज, आपकी मेहनत अगर आती है प्रभु को रास तो आपको सफलता मिलती है खास। आपकी मेहनत अगर आती है प्रभु को रास तो आपको सफलता मिलती है खास। और क्यों नहीं आएगी आपकी मेहनत प्रभु को रास? अगर वो मेहनत ईमानदारी शिद्दत और निरंतरता के साथ होगी। सच में अगर आप मेहनत ईमानदारी शिद्दत और निरंतरता के साथ कर रहे हैं तो आपको सफलता खास मिलने वाली है, ये याद रखिएगा। निरंतरता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सक्सेस जर्नी। कहते हैं पानी का बूंद बड़ा सौम्य है, बहुत 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 सॉफ्ट है, लेकिन वो सॉफ्ट चीज एक कठोर पत्थर को काट देती है। हाउ? उस सौम्य चीज ने कैसे काटा उस कठोर पत्थर को? सिर्फ एक चीज ने, और वो चीज थी उसकी लगातार ईमानदारी से निरंतरता के साथ गिरने का प्रयास। आप भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं लेकिन क्या आप ईमानदारी से निरंतर प्रयास कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं सफलता आपकी भी है। सोनम ने जो ये सफलता ली ये आप भी उतने ही हकदार हैं लेने के, बशर्ते आप तैयार हैं, बशर्ते आप निरंतरता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप ईमानदारी बरतने के लिए तैयार हैं अपने व्यापार में, बशर्ते आप शिद्दत से लगने वाले हैं अपने काम में।